हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के सब डाउट्स क्लियर होने वाले फ्रेंड्स। सिर्फ आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो क्या क्या क्वेश्चंस है, फाइनल ईयर रिजल्ट कब लगने वाला है, एटीकेटी बैकलॉग एग्ज़ाम फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा या नहीं, एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया था तो क्या करना होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, नॉन फाइनल ईयर एग्ज़ाम प्रॉक्टर्ड होगी या नहीं, यदि लास्ट ईयर के रिजल्ट में सब्जेक्ट बैकलॉग था तो क्या करना होगा, तो सभी का आंसर आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मेन क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम रिजल्ट कब लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम रिजल्ट जल्दी ही लगने वाले थे। 10 नवंबर तक सभी कोर्सेज के रिजल्ट लगने वाले थे, लेकिन री एग्ज़ाम के वजह से आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम का रिजल्ट डिले हुआ है फ्रेंड्स। तो कब तक आपका एग्ज़ाम रिजल्ट लगेगा, तो 15 या 20 नवंबर तक आपके सभी कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकलॉग एग्ज़ाम के लिए फिर से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो किसी भी सर्कुलर में ऐसा लिखा नहीं है कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा, तो जब भी करना होगा तब तो हम अपडेट आपको दे ही देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने पहले से ऑलरेडी एटीकेटी बैकलॉग एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था, इसलिए अभी तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, पासिंग क्राइटेरिया के लिए सपोज़ आपकी 50 मार्क की ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी, उसमें इंटरनल मार्क ऐड किए जाएंगे और दोनों ऐड करने के बाद इसके 40% के लिए आपको पासिंग है फ्रेंड्स। नॉन फाइनल ईयर एग्ज़ाम प्रॉक्टर्ड होगी या नहीं, तो फ्रेंड्स अभी तक तो कोई भी अपडेट्स मिला नहीं है, किसी भी सर्कुलर में ऐसा कुछ भी मेंशन किया गया नहीं है फ्रेंड्स, और फाइनल ईयर की एग्ज़ाम भी प्रॉक्टर नहीं हुई थी, तो फिर नॉन फाइनल ईयर की एग्ज़ाम भी प्रॉक्टर नहीं होगी। यदि ऐसा कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं पोस्ट करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि सर, एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया था तो क्या करना होगा, तो अभी तो आपको कुछ भी करना नहीं है, जब भी रेगुलर के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे तब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और तभी रेगुलर के साथ ही आप एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के लिए सिलेबस कितना होगा, तो एटीकेटी बैकलॉग एग्ज़ाम के लिए 100% सिलेबस होगा, और यदि आपने परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए 70 या 75% सिलेबस होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब भी कीजिए, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।